था सोने की चिड़िया थी, थी था था थी थी थी। अब क्या है, यहाँ मैंने कहा 145 करोड़ लोगों की संस्कृति सनातन है, सबके पूर्वज एक हैं, लेकिन मैं धर्म को पाखंड मानता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। चाणक्य की नीतियों ने भारत को विश्व गुरु के रूप में उभारा और आज पुनः विश्व गुरु बनाना है, जिसके लिए देश को अपना चाणक्य मिल चुका है। चाणक्य की नीतियों का अनुसरण करके ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर नेशन फर्स्ट की नींव रख चुके हैं। देश का प्रधान सेवक ग्लोबल लीडर बन चुका है और अब भारत के जगत गुरु बनने की बारी आई है। अखंडता और विकास के दम पर भारत कब बनेगा विश्व गुरु, किस कार्य को संपूर्ण करके पीएम मोदी भारत को विश्व गुरु बनाकर रहेंगे और हिंदू राष्ट्र भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना क्या पीएम मोदी ही साकार करेंगे, इस पर वृंदावन की धरती से आनंद धाम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी ने क्या भविष्यवाणी की, धर्म ज्ञान पर देखिए। आपको देश के इस माहौल को देखते हुए हिंदू राष्ट्र का सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत सनातन संस्कृति का एक राष्ट्र है और यहाँ मैंने कहा 145 करोड़ लोगों की संस्कृति सनातन है, सबके पूर्वज एक हैं। और मैं बार बार एक चीज़ कहा करता हूँ कि हिंदू तो रावण भी था और कंस भी था, तो केवल हिंदू राष्ट्र हो जाने से कहीं रावण आ गया, कंस आ गया, तो होगा तो हिंदू ही। मेरा ऐसा मानना है धर्म का राज्य हो, सत्य का राज्य हो, न्याय का राज्य हो, वो राम राज्य की जिसकी परिकल्पना मैं करता हूं। और परीक्षित के शासनकाल में एक राम राज्य था जिसका मूल अवधारणा, बाकी सब चीजें तो हैं, धर्मयुक्त लोग थे, न्याययुक्त लोग थे, सभी लोग एक दूसरे से परस्पर प्रीति करते थे, न्याय के लिए अपने परिवार को भी छोड़ देते थे, और अगर अधार्मिक हो तो अपने परिवार को छोड़ दें, धार्मिक हो तो किसी को भी गले लगा लें। भगवान श्री राम जो माता सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, मैं वृंदावन में बैठा हूँ, भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल के मुख में पड़े हुए छाछ को पी जाते हैं, माँ भी नहीं पीती अपने बच्चे का कुल्ला किया हुआ, पर भगवान कृष्ण कैसे हैं। तो हमारा राष्ट्र ही अलग है, हमारी धर्म की अवधारणा ही अलग है, ये पूरे प्रेम और ज्ञान के ऊपर आधारित है। मैं इतना मानता हूँ कि भारत राष्ट्र में इस राम मंदिर के बनने के बाद एक जो आध्यात्मिक चेतना का जागरण हुआ है, इससे भौतिक उत्थान भी होगा, मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस दोनों का विकास जरूरी है। हम केवल मटेरियल साइंस को मानते हैं पर स्पिरिचुअल साइंस के बारे में हमारा ज्ञान नहीं है। हमारी जितनी नौजवान पीढ़ियां हैं वो कहती हैं मैं तो विज्ञान मानता हूँ, मैं तो साइंटिफिक हूँ, लेकिन मैं धर्म को पाखंड मानता हूँ। धर्म भी स्पिरिचुअल साइंस है। स्पिरिचुअल शब्द बना है स्पिरिट से, स्पिरिट का अर्थ होता है उत्साह, उमंग, आनंद। जिसके जीवन में उत्साह ही नहीं धार्मिक कैसा, जिसके जीवन में उत्साह उमंग नहीं वो किस बात का राष्ट्रभक्त और वो किस बात का ज्ञानी और किस बात का वो लिटरेट और किस बात का वो एजुकेटेड। मैं वैसे लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत अंतर समझता हूँ। केरला में 97% लोग लिटरेट हैं लेकिन सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम वहां पर है। तो क्या कारण है, ये कौन सी लिटरेसी है, कौन सी पढ़ाई है जहां बच्चे अपने माँ बाप को भी अपने घर में नहीं रख पा रहे हैं। मुझे लगता है अक्षर ज्ञान अलग है और आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, एजुकेशन अलग है। हमें एजुकेशनल सिस्टम को भारत में पूर्णतः परिवर्तित करके मैकोले की शिक्षा विद्या को पूर्णतः ध्वस्त करके हटाकर, जिस मैकोले ने ये कहा कि भारतीय शरीर से आजाद हो जाएंगे परंतु मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे, मैंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी है जी। तो अब तो शिक्षा व्यवस्था को भंग करके सनातन बोर्ड को बनाना चाहिए, सनातन विद्या बोर्ड बनना चाहिए, जहां प्राचीन गुरुकुलम की विद्या हो भारत की, जहां 20 विषयों की पढ़ाई होती थी, जहां हवाई जहाज भी बनाने सिखाया जाता था गुरुकुलम में, गुरुकुलम से निकला हुआ कोई छात्र डिग्रियां लेकर के बेरोजगारों की तरह नहीं घूमता था प्राचीन भारत में, बल्कि वो लोगों को नौकरियां देने के योग्य हो जाया करता था। तो वो प्राचीन विद्या और नवीनतम जो हमारा अभी कंप्यूटर साइंस है या AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप भी जानते हो, इन सब का समावेश करके एक फ्यूजन विद्या पद्धति का निर्माण हो, और उस फ्यूजन विद्या पद्धति का जब निर्माण होगा तो भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा, नहीं तो केवल रटते रह जाएंगे। विश्वगुरु था सोने की चिड़िया थी, थी था था थी थी थी, अब क्या है जी, अब तभी होगा जब सनातन और नवीन विज्ञान को मिला करके भारत अपनी शिक्षा पद्धति को बदल दे। और मुझे पूरा विश्वास है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कार्य भी होगा ही। अब देखा जाए तो विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर भारत की तस्वीर दिन पर दिन बदल रही है। आजाद भारत के इतिहास में पहली दफा 140 करोड़ भारतीयों को G20 समिट की अध्यक्षता का मौका मिला। यूरोपीय देश ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया। जरूरतमंद देशों का मसीहा बन भारत ने श्रीलंका की 37,000 करोड़ से ज्यादा की अधिक मदद की। विश्व को योग का पाठ पढ़ाया। जंग के हालातों में यूक्रेन से 22,000 भारतीयों समेत 18 अन्य देशों के 147 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। कोरोना काल में 150 से ज्यादा देशों में दवाओं की आपूर्ति की। स्पेस टेक्नोलॉजी में तिरंगा का परचम लहराया और इसी कड़ी में गुरुकुल पद्धति का साथ अब भारत को विश्व गुरु बनाकर रहेगा। स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हम फिर एक बार हमारी भारत माता को जगत गुरु बनाएं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। ये स्वामी विवेकानंद जी का सपना था और सदियों पहले वो समय था जब भारत विश्व गुरु था। लेकिन हम ये न भूलें, भारत तब विश्व गुरु था जब बंगाल राष्ट्र गुरु के पद पर विराजित था। अगर हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो बंगाल ने राष्ट्र गुरु के पद को हासिल करना होगा, बंगाल को उस ऊंचाई पर ले जाना होगा, तब जाकर के भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजित हो सकता है। स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हम फिर एक बार हमारी भारत माता को जगत गुरु बनाएं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। ये स्वामी विवेकानंद जी का सपना था और सदियों पहले वो समय था जब भारत विश्व गुरु था। लेकिन हम ये न भूलें, भारत तब विश्व गुरु था जब बंगाल राष्ट्र गुरु के पद पर विराजित था।